हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग टू। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस, सुबह के 7:30 बज चुके हैं एंड आज मैं आपको ऐसे मंदिर घुमाने ले जा रहा हूँ जहाँ सच्चे मन से मांगी प्रार्थना जरूर पूरी होती है। तो आइए माता जी के दर्शन कीजिए। और गाइस, तो हम जा रहे हैं मंदिर। तो अब हम पहुंच चुके हैं 5 मंदिर। आइएगा, कराते हैं आपको माता रानी के दर्शन। तो फाइनली मैं 5 मंदिर आ चुका हूँ। आइएगा, आप लोगों को माता रानी के दर्शन कराता हूँ। तो ये यहाँ पर उदयपुर का 5 मंदिर जो बेहद ही खास है। आइएगा, आपको माता रानी के दर्शन कराता हूँ। ये है हमारी माता रानी, जिनके आगे मांगी मुराद सच्चे दिल से हर पूरी होती है। तो आइएगा, माता के दर्शन कीजिएगा। और मैं आपको मंदिर घुमाता हूँ। आगे भी काफ़ी ज़्यादा भगवानों की मूर्तियाँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज हमारे साथ यश भैया आ चुके हैं। यश भैया, आएगा यहाँ की शनि देव बाबा के, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। शनि महाराज जिनको मेरा कोटि कोटि नमन। जय हो शनि महाराज। यहाँ के कृष्ण भगवान और माता रानी के दर्शन करते हैं। राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, जो बहुत ही प्यारे हैं। गाइस, तो मैं आपको बता दूं, मैं जब भी इस मंदिर में आता हूं तो मेरा यहां से जाने का दिल नहीं करता। तो आप भी आएगा और सभी देवी देवताओं के दर्शन की करा के जाएगा। मेरे भोलेनाथ माँ पार्वती हैं। जय हो भोलेनाथ। आइएगा गाइस, आपको और भगवानों के दर्शन कराता हूं। जय वीर बजरंगबली बाबा। मेरे पीछे देखिएगा, ये हनुमान बाबा हैं। जय हो। मज़ा ही आ गया, आत्मा को शांति मिल जाती है मुझे यहाँ की। गाइस, मेरे पीछे श्री राम एंड माता सीता एंड लक्ष्मण जी हैं, जिनको मैं तहे दिल से प्रणाम। गाइस, तो यहाँ पर लाइट नहीं है, अंदर लाइट नहीं लगाई है, तो आपको ऐसे ही देखने पड़ेंगे। प्रणाम प्रभु। ये देखिए गाइस, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 36 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति तो नहीं है, बट 51 माताओं की मूर्ति है। एंड मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ एंड 5 मंदिर। गाइस, ये है हमारा 5 मंदिर जो बहुत ही सुंदर दिख है। ये हमारी यश भैया हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, साथ में स्टार्ट किया हमने। बहुत आपको यहाँ की शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पौधे वगैरह, हरियाली भी है जो दिल को सुकून देती है। चलिए गाइस, भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। गाइस, हम मंदिर घूम चुके हैं एंड चलते हैं बाहर की ओर। मुझे तो बहुत ही मजा आया है यहाँ घूम के एंड माता रानी के दर्शन करके। दिल को जो सुकून मिलता है ना, बता नहीं सकता लफ्जों में।
मंदिर आने में लेट हो गए तो यहाँ पर इतने टाइम भक्तों की भीड़ कम हो जाती है, इसलिए हम आए ताकि आराम से शूट कर सकें एंड आपको दिखा सकें। लगता है यश भाई का भी ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है। फाइनली हम मंदिर से बाहर निकल चुके हैं। साइट में शॉप है, अगर आपको प्रसाद वगैरह कुछ भी चढ़ाने के लिए चाहिए, नारियल, चुंदरी, मेवा, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है, आइए चलते हैं घर की ओर। जय माता दी। फाइनली हम मंदिर घूमकर आ चुके हैं, तो बने रहिएगा हमारी हर वीडियो में। शायद कोई भी ब्लॉग देखना मिस ना करें, क्योंकि मैं रुद्रपुर की हर वो फेमस चीज़ आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पर बेहद ही फेमस है। तो गाइस, ताकि आप जब कभी भी यहाँ आएँ तो इन चीज़ों का फुल आनंद उठाएँ, फुल इन्जॉय लें, ताकि घूम सकें जगह पता हो तो। गाइस, जैसा कि यहाँ की झील जो रुद्रपुर की शान कहलाती है, तो मैं एक एक कर को आपको हर वो फेमस चीज़ दिखाऊंगा। नंबर टू पर आता है यहाँ का विशाल मेवाड़, जो यहाँ का नंबर वन मॉल कहलाता है। एंड सेकंड थर्ड पे आता है यहाँ का मेट्रोपॉलिस का बिग बाज़ार, जहाँ पर न्यू से न्यू हर मूवी लगती है। एंड आकर आप देख सकते हैं एंड शॉपिंग कर सकते हैं एंड इन्जॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।